कि यहाँ पर आकर के मैं तो भाव विभोर हो गया, क्योंकि जिस स्थान पर आप आए हुए हैं अभी, जैसा कि आपने सुना देखा स्वयं जाना कि कचरे के ढेर लगे हुए थे, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। उस स्थान पर इतनी बड़ी वृक्ष श्रृंखला, इतना अच्छा उपवन यमुना मिशन के द्वारा बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में आप और हमारी नवीन पीढ़ी यहाँ आकर के सुख का अनुभव करेगी। और ये मैसेज हमारे अंदर स्वयं आ रहा है, स्वतः आ रहा है कि हमें इस श्रृंखला में जुड़ करके बढ़ चढ़ करके भागीदारी करनी है। आप एक चीज पर और ध्यान दीजिए कि इतने सारे लोग यहाँ पर कार्य करने में जुटे हुए हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों में कार्य करने तो कोई भी चला जाता है, पर अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को सवारते हुए कार्य करना। अभी एक कर्मचारी से मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया कि हमें यहाँ 12 घंटे कार्य करना होता है, अगर किसी दिन हमारा अवकाश भी हो तब भी हम निस्वार्थ भाव से 12 घंटे कार्य करने आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें आत्मीय लगाव हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे स्थान को पवित्र बनाना, पर्यटन योग्य बनाना यमुना मिशन के द्वारा ही सार्थक था। आप मैं चाहूंगा कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी इसमें अपना सहयोग करे, क्योंकि वास्तव में यह यमुना मिशन उनके सहयोग के योग्य है। हम विदेशों में जाना पसंद करते हैं, उनकी साफ सफाई सज्जा इन सबको देख करके बड़े खुश होते हैं कि देखो सब कितनी सफाई है वहां पर। कुछ समय बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपको हर्ष का अनुभव होगा अपनी इस भारत भूमि में। आपके द्वारा किए गए ये कार्य सराहनीय है, मैं धन्यवाद देता हूँ यमुना मिशन को। मेरा यही मानना है कि आप सबको भी इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य में हमको पेड़ पौधों को देखने को नहीं मिलेगा, उसमें एक ऐसा काम जो कि हमें आने वाले भविष्य में बहुत मदद करेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद करेगा ये सब चीज देखने में। आजकल पेड़ पौधे बहुत खत्म हो रहे हैं जगह जगह, ऐसे में ये यमुना मिशन का जो कार्य है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, यमुना जी की सफाई हो रही है। यमुना जी एक पॉइंट पर आकर बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, लेकिन यमुना मिशन ने इसको साफ किया है, इसको देखने लायक बनाया है, इसको यूज करने के लिए एक साफ सुथरा करके रखा है ठीक अच्छे से। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप सबको भी ये इस यमुना मिशन से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।